पुणे गोवा से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजन स्थल पर पहुंच चुके हैं। गोवा में दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। गोयकार भाव भेणी कड़े मागता, मंच पर आपका स्वागत है। प्रमाण गोयचो माननीय राज्यपाल कुल चार प्रोजेक्ट्स के शुरुआत के बारे में प्रधानमंत्री वहां पे कार्यक्रम के शिरकत करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं उनमें शामिल है गोवा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, और ये इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट बनने वाला है, जिससे ना सिर्फ गोवा में टूरिज्म को फायदा मिलेगा बल्कि आसपास के कई बड़े क्षेत्रों को इस एयरपोर्ट से फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ ट्वीम इलेक्ट्रॉनिक सिटी की भी आधारशिला वहां पर रखी जाएगी। जिस तरह से यहां पर साइबर सिटीज बसी हुई हैं दिल्ली से सटे गुड़गांव में या फिर बेंगलुरु में, इस तरह की एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संबंधित इंडस्ट्री को बसाने के लिए ट्वीम इलेक्ट्रॉनिक सिटी की आधारशिला रखी जाएगी। उपक्रम पूर्णत्वाकडे पावला मारता, गोयचे उदरगतीच्या पर्वात अभिमानास्पद अशी नवी भर मळ्यार मोपा ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि तुये इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर बुनियादी फातर बसोवपाचो आयचो हो सुवाळो। त्याचप्रमाण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फेज 3A उद्घाटन आणि कोस्ट गार्ड OPV प्रकल्पाच्या बांधकामाचो शुभारंभ। गोवा वासियो का यह परम सौभाग्य है कि मोपा ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एवं तुये के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के शिलान्यास समारोह और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फेज 3A का उद्घाटन और कोस्ट गार्ड OPV प्रकल्प के उत्पादन का शुभारंभ आज देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति से हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हो चुके हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, तमाम गोवा वासियों का सैलाब पूर्ण दर्शन, हृदय में आतिथ्य सम्मान और कर्तव्य की भावनाओं का संगम। कर्तव्य ध्वनि से ताली से फिर एक बार आज मंच पर आसीन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हम सहर्ष पूर्ण स्वागत करते हैं। माननीय राज्यपाल डॉक्टर श्रीमती मृदुला सिन्हा जी से आदर युक्त प्रार्थना करते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पुष्प गुच्छ प्रदान कर हार्दिक स्वागत करें। धन्यवाद। काळजात खोस आणि उमेदी असा, खोशेच्या या शुभ शुभारोहात मागता गोयचे माननीय मुखेलमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, तसेच गोयचे मानदीक उपमुखेलमंत्री श्री फ्रांसिस डिसोजा, देशाचे संरक्षण मंत्री माननीय श्री मनोहर पर्रिकर, राणा पर्यावरण आणि पंचायत मंत्री मानदीक श्री राजेंद्र आल्लेकर आणि दक्षिण गोयचे मानदीक खासदार श्री नरेंद्र सावयकर हांच्याकडे नमळायन मागता। देशाचे पंतप्रधान आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हांका फुला परमळान येवकार भेटोवचो। पुष्पमाला प्रदान कर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत। कर्तव्य आणि अभिमानाची एक लागणूक आमच्या काळजात असा, हारातली दर एक पाकळी तुमच्या ताळीत असा। स्वागताची रीत पुराय झाली असा, धन्यवाद। सुकुल्ले आमचे गोय राज्य सदांच उदरगतीची पावलां फुडें मारीत वता, संवसारात नाव मिळत रावचे हो दर एकल्याचो हावेस जावन आसा। दिका दिकांनी उदरगतीचे हावेसाचे कळे आणि हावेसांक येवकाराचे उमाळे। मंच पर उपस्थित माननीय केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री श्री अशोक गजपति राजू पशुपति जी से निवेदन है कि शब्द सुमनों से मंच पर उपस्थित देश के आदरणीय पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। Our respected and beloved Pradhan Mantri Ji, Honorable Governor Mridula Sinha Ji, Chief Minister Lakshmikant Parsekar Ji, my colleague Minister Parekar Ji, Nayak Ji, Sinha Ji, Deputy Chief Minister of Goa D'Souza Ji, ministers, members of parliament, and MLAs,
officers of the central and state governments, friends from the media, distinguished ladies and gentlemen. On behalf of everyone here present, I express my deep gratitude and extend a hearty welcome to our beloved and dynamic Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here amongst us today to lay the foundation stones for three very important projects. Your presence, sir, inspires and motivates us. It is a fitting tribute for the state of art facilities to receive your blessings. I extend a warm welcome to all of you who are here amongst us today to witness these memorable events. Prime Minister, sir, ever since our NDA government took over, aviation sector in India has recorded a phenomenal growth. We are today known as the land of 20% growth, a feat unmatched by any major economy in the world. We are concurrently the ninth largest aviation market, and under your able vision and guidance, are on track to becoming the third largest by 2022. The recently announced National Civil Aviation Policy, which is the first such integrated policy since independence, has given a great boost to this growth momentum by introducing numerous steps for ease of doing business, affordable flying, do away with the 520 rules, open skies, skill upgradation. तो गोवा से सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह स्थल पर पहुंच चुके हैं। नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की आधारशिला वहां पर रखी जाएगी, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक सिटी की वहां पर आधारशिला रखी जाएगी। अभी फिलहाल नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 20% की दर से एविएशन सेक्टर जो है, उड्डयन क्षेत्र है, वो तरक्की कर रहा है। ऐसे में जो ये एयरपोर्ट है, काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाला है और 2022 तक दुनिया के बाजार के हिसाब से जो भारत का एविएशन सेक्टर है, वो तीसरी सबसे बड़ी मार्केट होने जा रही है।